Hello students, in today's lecture number 2 on semiconductors, electronics, material devices and simple circuits for class 12, we shall have discussion on classification of metals, that is conductors, number 2 semiconductors and number 3 insulators. हम बात करेंगे conductors, semiconductors और insulator के classification की. कंडक्टर्स जिनको हम मेटल भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई करेंगे. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको क्लासिफाई करेंगे. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी आप जानते हैं, कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं. ये फ्लो ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है. यदि किसी मटेरियल से चार्ज का इजीली फ्लो होता है तो वो हम कहते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जैसे कि कंडक्टर्स के केस में. इसी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी, जिसको हम रेओ से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? रेओ. और इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? सिग्मा. क्या प्रोनाउंस करते हैं? सिग्मा. ठीक है, सिग्मा और रेओ के आधार पर, सिग्मा और रेओ के आधार पर आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/रेओ, यानी कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. और वी कैन से कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. अगर हम कंडक्टिविटी के यूनिट की बात करें, यदि हम कंडक्टिविटी के यूनिट की बात करें, मेहो पर मीटर होता है, मेहो पर मीटर, या इसको साइमन कह सकते हैं और पर मीटर कह सकते हैं, साइमन पर मीटर. और रेजिस्टिविटी, रेओ का जो यूनिट होता है ये होता है ओम मीटर. ओम मीटर, ओम मीटर है बेटा, ये डैश है, ओम मीटर, या जिसको सॉल्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, ओम मीटर. ठीक है, ये इनके यूनिट्स की बात हो गई. इस रेजिस्टिविटी को आप एक दूसरा नाम और देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. आपको याद आ रहा होगा, एक ऐसा वायर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो, ऐसे वायर का रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टिविटी कहलाता है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है. जिसकी बात हमने कहाँ की थी? जिसकी बात हमने की थी इस रिलेशन में, R इज इक्वल टू रेओ एल अपॉन ए, ये बात हमने की थी. रेओ इज इक्वल टू हमने निकाला था आर ए अपॉन एल. तो यदि ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है और एल इज इक्वल टू 1 मीटर है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, ये एक वायर है मान लीजिए, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो उस केस में इस वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी. यानी ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसे आप रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ये एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो. तो यहां से इस रेजिस्टिविटी को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में. और यहां पर इसके यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ये एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो ओम मीटर आ जाएगा. और इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, जिसे म्यो पर मीटर में मेजर करते हैं. चलिए, यानी जिसका रेजिस्टिविटी हाई होगा उसका कंडक्टिविटी लो होगा, जिसका रेजिस्टिविटी लो होगा उसका कंडक्टिविटी हाई होगा, ये यहां से बात क्लियर होती है. चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, वी वांट टू क्लासिफाई कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. मेटल जिनको हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, और सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इन तीनों के क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे. तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं मेटल्स की, इसी में मेटल्स की बात करूं, मेटल्स जिनको हम कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, कंडक्टर्स. कंडक्टर्स के केस में यदि हम इन पैरामीटर्स की बात करें, मेटल और कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है, मेटल और कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी तो लो होती है, लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनमें चार्ज का इजीली फ्लो हो जाता है, ये करंट को इजीली कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होता है, तो लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी, एंड हाई कंडक्टिविटी, एंड हाई कंडक्टिविटी. ठीक है, कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है. यदि हम थोड़ा सा इनके न्यूमेरिकल
डाटा की बात करें तो रेजिस्टिविटी रेओ जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10^-2 टू 10^-8 ओम मीटर होता है, ये रेजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी सिग्मा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 10^+2 टू 10^+8 मेहो पर मीटर या सीमन पर मीटर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आइडिया जस्ट आपको होना चाहिए, 2 से 10^2 + 2 से 10^+8 इसका कंडक्टिविटी है, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये रेजिस्टिविटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। मेटल्स की बात हुई, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, भाई मेटल्स और कंडक्टर्स कौन से होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का इजीली फ्लो हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इजीली फ्लो कब होगा, जब चार्ज का इजीली फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी हाई होगी और रेजिस्टिविटी काफी कम होगी, ठीक है, इसलिए तो ये कंडक्टर्स कहलाते हैं। दूसरी यदि मैं बात करूं सेमी कंडक्टर्स की, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेमी कंडक्टर्स जो कि जिनका बेस मटेरियल सेमी कंडक्टर्स जो है बेस मटेरियल होते हैं। किसके बेस मटेरियल होते हैं, जैसे कि जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, रेक्टिफायर्स हैं, एलईडीज हैं, इनके बेस मटेरियल होते हैं कौन, सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मतलब आधा, कंडक्टर जो आधा कंडक्टर होता है, मतलब दे बिहेव सेमीकंडक्टर्स बिहेव दे बिहेव एज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की तरह ये बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज इंसुलेटर्स एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 0 केल्विन एंड स्टार्ट बिहेविंग एज कंडक्टर, और कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं एट टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होने पर सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं, और 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इनका व्यवहार इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह होता है, इसलिए इन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इनकी यदि हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेओ का जो वैल्यू होता है, रेजिस्टिविटी 10^-5 टू 10^+6 ओम मीटर होती है। तो एक तरफ माइनस है और एक तरफ +6 है, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स जो है इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी कम भी होती है और रेजिस्टिविटी हाई भी होती है एक केस में। यदि हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसकी हो जाएगी 10^5 टू 10^-6 साइमन पर मीटर, ये हो जाएगी। तो ये डाटा थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये सेमी कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में हो गया। तीसरा है इंसुलेटर्स, कौन होते हैं इंसुलेटर्स, यदि हम इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स के केस में कंडक्टिविटी ये चार्ज के फ्लो को नहीं होने देते, इनकी जो रेजिस्टिविटी है हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी एंड एंड जब रेजिस्टिविटी हाई है तो कंडक्टिविटी कैसी होगी, लो होगी, एंड लो कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की। और इस केस में यदि हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो 10^-11 से 10^19 ओम मीटर होती है, 10^11 से 10^19 ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी की यदि हम बात करें तो, ठीक है। तो किस तरीके से याद रखना है, देखिए इनकी 2 से 8 होती है, 2 और 8 में 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 6 आ गया, 5 आ गया, इस तरीके से कुछ लॉजिकल आप कोरिलेशन बिठा करके इनको याद रखेंगे। ये 5 और 6 11 होता है, तो ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए रेजिस्टिविटी हाई होती है 19 तक जाती है। और कंडक्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो लो कंडक्टिविटी होती है इनकी, सिग्मा की वैल्यू लो होती है 10^-11 टू 10^-19 साइमन पर मीटर, ये इनकी कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर्स के केस में। तो ये क्राइटेरिया है कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को क्लासिफाई करने का, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ये डाटा आपको हल्का सा जो है ध्यान में रखना होगा। चलिए इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के हो सकते हैं, जो रो और सिग्मा की वैल्यू तो मैंने आपको यहां पर बताई थी,
हमारा जो इंटरेस्ट है ना तो यहाँ पर कंडक्टर्स में है ना ही इंसुलेटर्स में है, हमारा इंटरेस्ट तो सेमीकंडक्टर्स में है। हमारा इंटरेस्ट किस में है? सेमीकंडक्टर्स की स्टडी में है। हमारा इस पर मेन फोकस रहेगा, सेमीकंडक्टर्स पर मेन फोकस है। वी वांट टू स्टडी द सेमीकंडक्टर्स, है ना, सेमीकंडक्टर्स की स्टडी हम करना चाहते हैं जिससे कि हम सेमीकंडक्टिंग डिवाइस डेवलप कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप कर सकें, एक बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप कर सकें। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमें बेसिक आइडिया ये भी पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की यदि मैं बात करूं अलग से, ये तो डिफरेंस मैंने आपको रो और सिग्मा के आधार पर दे ही दिया। यदि मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स से यदि हम बेसिक क्लासिफाई करें इनको, तो एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स, और दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कौन से होते हैं? कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल में यदि हम एग्जाम्पल दें तो जैसे जर्मेनियम है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि लिखें एलिमेंटल में, जो कि सिंगल एलिमेंट के होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो जनरली प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जबकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो है तीन टाइप के हो सकते हैं, फर्दर तीन कैटेगरी इनकी हो सकती है। नंबर वन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में फर्स्ट कैटेगरी में यदि हम डालें तो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक। दूसरी कैटेगरी में डालें तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और तीसरी कैटेगरी में डालूं तो मैं ऑर्गेनिक पॉलीमर कह सकता हूं, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर के एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर में एग्जांपल्स के तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं जैसे CDS, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में ही आते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं उन्हें हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये इनका बेसिक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। जो से एक ही एलिमेंट है, प्योर है, वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हो गए। लेकिन जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे ही आप कैडमियम सेलेनियम, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, इंडियम फास्फाइड एग्जाम्पल हो सकता है, इंडियम फास्फाइड ये भी एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में यदि मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन, इसमें आप लिख सकते हो एंथ्रासिन, एंथ्रासिन एग्जाम्पल लिख सकते हो ऑर्गेनिक में, एंथ्रासिन। ऑर्गेनिक पॉलीमर में यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे पॉलीप्रोपेल है, पॉलीएनिलीन है, पॉलीथायोफिन है, ठीक है, पॉली पॉली पेरोल है, ठीक है, पॉली एनिलिन है, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में देखिए पॉली, ठीक है, ऑर्गेनिक में सॉरी ऑर्गेनिक पॉलीमर में, ऑर्गेनिक पॉलीमर में क्या है? पॉली एनिलिन, पॉली पेरोल, ठीक है, पॉली एनिलिन, पॉली पॉलीमर, ध्यान रखिएगा पॉली शब्द लगा हुआ है, पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन है, ठीक है, डॉप्ड थैलोसाइनिन है, और इनऑर्गेनिक में इंडियम फास्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब आपके इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। यहां पर जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो हमारा मेन फोकस रहेगा एक तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स पर, एक तो हम बात करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की, और इसके अलावा हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स की, एलिमेंटल एंड
इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स दैट इज मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो मेटल और कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। सेमीकंडक्टर्स के जो है जीरो केल्विन पर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जीरो केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर इनका करें तो ये कंडक्टर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, यानी इनके अंदर कंडक्टिविटी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनमें कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, इंसुलेटर होते हैं ये। और इंसुलेटर्स की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। फर्दर सेमी कंडक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में डाला, एलिमेंटल सेमी कंडक्टर, कंपाउंड सेमी कंडक्टर। एलिमेंटल में जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हो वो कंपाउंड सेमी कंडक्टर। इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर, हमें ज्यादा काम पड़ेगा इन इनऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर से। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे अब हम जो बात करना चाह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी वेन डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी वेन वी वॉन्ट टू क्लासीफाई कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो पार्ट बी जो इसका है, पार्ट बी है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी वेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स के आधार पर हम इनको क्लासिफाई करना चाहते हैं, किनको? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को। तो देखिए, इनको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत होगी, नील्स बोर मॉडल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नील्स बोर मॉडल में हमने क्या बात की थी? नील्स बोर मॉडल की यदि मैं बात करूं तो नील्स बोर मॉडल, नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, किसने? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, नील्स बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था, ये एटम है और इस एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, कौन सा उनका अलाउड ऑर्बिट होगा कि जिसे आप बोर स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा था नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिस ऑर्बिट के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये बात नील्स बोर ने बताई थी। यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो उनके ऑर्बिट हैं वो अलग अलग होते हैं और डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है यानी नील्स बोर ने क्या कहा अपने एटॉमिक मॉडल में कि जो आइसोलेटेड एटम होते हैं, कैसे आइसोलेटेड एटम, यानी सिंगल एटम की मैं बात कर रहा हूं। सिंगल एटम के केस में नील्स बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो डिसाइड होती है वो कि वो कौन से ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का उनका अपना अपना ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट कौन सा होगा ये डिसाइड होगा कि जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आता है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो आइसोलेटेड एटम के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, ऑर्बिट डिफरेंट होता है और डिफरेंट ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जब एटम एक दूसरे के पास पास आते हैं, जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है, ऐसे ये तीसरा एटम है, क्रिस्टल बन गया, ये क्या बन गया, क्रिस्टल या सॉलिड बन गया, ठीक है, क्रिस्टल या सॉलिड बन गया, क्रिस्टल या सॉलिड बन गया। तो देखिए डिफरेंट एटम्स ठीक है इस तरीके से पास पास आए, किस केस में, सॉलिड के केस में कहो या आप कह सकते हो क्रिस्टल के केस में। क्रिस्टल के केस में एक एटम तो होता नहीं है, आइसोलेटेड एटम नहीं होता है, डिफरेंट एटम्स होते हैं। जब डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, क्यों आते हैं, इससे कि सॉलिड बने। सॉलिड का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स, एक ग्रुप ऑफ एटम्स। तो जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर ऑर्बिट, ये सबका अपना अपना न्यूक्लियस भी है, यहाँ पर सबका अपना अपना न्यूक्लियस भी है, सबका अपना अपना न्यूक्लियस है और सबका अपना इनर ऑर्बिट भी है और आउटर ऑर्बिट भी है, सबका अपना अपना इनर ऑर्बिट भी है और आउटर ऑर्बिट भी है। तो ये देखिए, ये आउटर ऑर्बिट है,
और जो न्यूक्लियस के नजदीक है वो इनर ऑर्बिट है, जो एकदम पेरीफेरी के पास है वो आउटर ऑर्बिट, जो न्यूक्लियस के नजदीक है ऑर्बिट वो इनर ऑर्बिट, और जो पेरीफेरी के पास है वो आउटर ऑर्बिट। इस तरीके से ये आउटर ऑर्बिट। अब आउटर जब ये पास पास आएंगे एटम्स, ठीक है, सॉलिड बनाने के लिए जब ग्रुप ऑफ एटम्स पास पास आएंगे एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। इस एटम का आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इस एटम के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा, वैसे ही इसका आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इस एटम के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के नजदीक आ जाएगा, इस एटम का आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इस एटम के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के नजदीक आ जाएगा, ऐसे ही ये इन सभी के जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, नजदीक आने से इनमें क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये सब मिलकर के एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप बना लेंगे जब सॉलिड बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी लेवल है और जो सॉलिड या क्रिस्टल के अंदर एनर्जी लेवल है वो एकदम अलग अलग है, अलग अलग मतलब डिफरेंट नेचर के हैं। इसमें तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हो गया, इसमें सिंगल आप लेवल की बात कर रहे हैं। तो जो सॉलिड या क्रिस्टल जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो है यूनिक पोजीशन नहीं होती, जैसे कि आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी यूनिक पोजीशंस हैं। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यह है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही, और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऑर्बिट होता है आइसोलेटेड एटम में। लेकिन सॉलिड और क्रिस्टल के केस में जहां बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास आ चुके हैं, उस केस में तो ऐसा यूनिक पोजीशन हो ही नहीं सकता। और उस केस में क्या होगा, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जो ओवरलैप करेंगे उनकी एनर्जी जो है सेम है, जिनका एनर्जी वेरिएशन है सेम, एनर्जी वेरिएशन के जो आउटर एनर्जी लेवल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे और एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। तो जो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है सेम एनर्जी वेरिएशंस के लेवल्स का, सेम एनर्जी वेरिएशंस के लेवल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। तो एक सॉलिड या क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक पोजीशन है। और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, उनका एनर्जी लेवल जो है सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड और क्रिस्टल के एनर्जी लेवल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, यानी उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। अब जब एनर्जी लेवल ऑफ इनर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये जो इनर ऑर्बिट्स हैं, इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, वो तो नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। ये जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम का इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की से, यानी इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स उसके नेबरिंग इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है टाइटली बाउंड होते हैं इस न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होने के कारण ये इनका जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता, है ना, नेग्लिजिबल इंट्रैक्शन होता है, ज्यादा प्रभावित नहीं होते, एक कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होते ही नहीं है। लेकिन जो एनर्जी लेवल्स हैं आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के, इन आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इनमें आपस में इंट्रैक्शन हो जाता है, इंट्रैक्शन की वजह से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ज्यादा प्रभाव जब हो जाएगा तो इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, उनकी एनर्जी में चेंज आ सकता है, एनर्जी में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है स्प्रेड हो जाते हैं एक बैंड ऑफ एनर्जी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बैंड ऑफ एनर्जी बनाने के लिए स्प्रेड हो जाते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है, जो कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशंस के जो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है, जैसे कि एक एनर्जी लेवल में बना एक एनर्जी लेवल, जैसे मैं आपको एनर्जी लेवल के जरिए समझाता हूं, यदि मैं आइसोलेटेड एटम की बात करूं, आइसोलेटेड एटम की यदि मैं बात करता हूं, तो एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है ना, बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, ये बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस है, बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि ये बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस है जिसको मैं एनर्जी लेवल डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, मान लीजिए
ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे आप हायर लेवल्स में जाओगे जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो सेपरेशन है इनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में वो कम होता चला जाता है। तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करोगे, सॉलिड या क्रिस्टल की जब आप बात करोगे, सॉलिड या क्रिस्टल की बात करोगे, फोर सॉलिड और क्रिस्टल जिसको आप कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो उस केस में जो हायर एनर्जी लेवल्स हैं, हायर एनर्जी लेवल्स का क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। हायर एनर्जी लेवल्स का ओवरलैपिंग हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल्स का ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्योंकि जो इनर लेवल्स हैं, जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनका इनर एनर्जी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर ऑर्बिट्स में, ये इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, लेकिन हायर एनर्जी लेवल्स यानी आउटर एनर्जी, आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं दूसरे आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से। इस तरीके से ये ग्रुप बना लेते हैं एनर्जी लेवल्स का। एनर्जी लेवल्स का ये जो ग्रुप है जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन के एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस के, एनर्जी वेरिएशंस के जो एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है, इस ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड कहा जाता है, एनर्जी बैंड कहा जाता है। समझ में आई बात? तो ये कहानी हुई कैसे एनर्जी बैंड बनता है। इस एनर्जी बैंड के बारे में अभी तक मैंने बताया है, अभी तक मैंने आपको एनर्जी बैंड के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं बताया है, अभी तक मैंने आपको बताया है कि एनर्जी बैंड क्या होता है। तो ये जो कहानी मैंने बोली आपसे, ये मैंने पूरी यहां पर मेंशन की है, एक बार फिर से देख लीजिए, नोट करना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड अकॉर्डिंग टू वोर्स एटॉमिक लेवल मॉडल, अकॉर्डिंग टू वोर्स एटॉमिक मॉडल, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स, बट वेन द एटम कम्स टूगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो द आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम वुड कम वेरी क्लोज और कुड इवन ओवरलेप। इट मेक्स द नेचर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन आइसोलेटेड एटम। Inside the crystal or a solid, each electron has a unique position and no two electrons will have same energy level. It means each electron of a crystal or solid have different energy levels. The energy levels of inner orbit of electron and of an atom are not influenced by the neighboring atoms as these electrons are tightly bound to their parent nuclei. However, the energy levels of the outer orbit electrons of an atom are influenced by the neighboring atoms and are altered or changed. Hence, the outer orbit electrons of an atom are common to several neighboring atoms. Therefore, the energy levels of corresponding to the outer shell or orbit electrons spread up to form a band of energy. Band of energy बनाएंगे और ये जो group of energy levels है, different energy levels. विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड की कहानी आपको पूरी समझ में आई होगी, मैंने काफी कोशिश की है आपको समझाने की। अब हम बात करेंगे कि एनर्जी बैंड कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड की दो कैटेगरीज होती है, नंबर वन इज बैलेंस बैंड एंड नंबर टू इज कंडक्शन बैंड। नंबर वन इज बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड होता है एक, बैलेंस बैंड, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ये दो टाइप के एनर्जी बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब इन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, बैलेंस बैंड नाम से ही पता चल रहा है, द एनर्जी बैंड, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स, एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स, क्या होता है इसके अंदर, विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी, एनर्जी लेवल्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं
द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन लेवल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मली इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। यानी इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। दूसरा क्या होता है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड, इसको हम क्या लिखेंगे? एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी बैंड होता है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। बैलेंस बैंड के ऊपर जो एनर्जी बैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है वो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, ठीक है, विद नो एक्सटर्नल एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है तो सभी की सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? लिख लीजिएगा, विद नो एक्सटर्नल एनर्जी। जब तक कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिजाइड इन द, विल रिजाइड इन द बैलेंस बैंड। ये कहाँ रहेंगे? बैलेंस बैंड में रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे, ठीक है। यानी जब जब इलेक्ट्रॉन्स के पास, जिनके पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे। और अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के आधार पर बताता हूं कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की सिचुएशन क्या है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की सिचुएशन क्या है इसको जरा हम डायग्राम के जरिए जान लेते हैं। तो देखिए ये एक लेवल है जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। ये एक मैंने बैंड बनाया, ये है ग्रुप ऑफ एनर्जी बैंड, इसे नाम दे रहा हूं मैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। और इसके नीचे ये हो गया, ये बैलेंस बैंड, ये क्या हो गया? बैलेंस बैंड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लेवल्स होंगे, बहुत सारे लेवल्स होंगे बैलेंस बैंड में, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। जो जब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बैलेंस बैंड के अंदर, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कहां पर हैं? बैलेंस बैंड के अंदर हैं, ठीक है। ये फील्ड है, ये वैलेंस बैंड क्या है? फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है मान लीजिए। और ये है एम्प्टी, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। और इन एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये जो गैप है, ये जो इनके बीच में गैप है जिसे हम ई जी या कई बुक्स में डेल्टा ई जी भी लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहो या फिर कह दो बैंड गैप, बैंड गैप, बैंड गैप भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बैंड गैप अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है? फॉरबिडन यानी मना करना, एनर्जी गैप यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से बैलेंस बैंड से यदि कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी गैप के बराबर यानी इस बैंड गैप के बराबर आपको एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी। जब तक इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस बैंड गैप के बराबर या इससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक ये इलेक्ट्रॉन
बैलेंस बैंड से कहाँ नहीं जाएगा, कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जब तक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक कंडक्टिविटी को हम मेंटेन नहीं रख सकते। कंडक्शन बैंड, हमें हाई कंडक्टिविटी चाहिए तो कंडक्शन बैंड में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी हमें इस एनर्जी गैप को खत्म करना पड़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये एक बात हुई। अब देखिए, लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है, यदि मैं इसके लोएस्ट एनर्जी लेवल को, इसका जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, यदि इस लेवल को, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है किसका, कंडक्शन बैंड का, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, और इसको मैं ईसी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल। और हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड, ये बैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये बैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, बैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। तो अबव ईसी, ईसी के ऊपर और ईवी के नीचे, ईसी के ऊपर और ईवी के नीचे, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर ईसी के ऊपर और ईवी के नीचे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये एक बात हुई। ये जो गैप है बैलेंस बैंड, टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, और टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड के बीच में ये जो गैप है एनर्जी का, इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं, जिसका यूनिट, यदि हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट बैंड गैप का, बैंड गैप एक एनर्जी डिफरेंस है, कुछ और नहीं, ये एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज एनर्जी डिफरेंस। इसे मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी डिफरेंस है ये, इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं। इसी एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा और कौन सेमी कंडक्टर होगा। तो अब यहां पर देखते हैं कि कंडक्टर किसे कहेंगे, सेमी कंडक्टर किसे कहेंगे और इंसुलेटर किसे कहेंगे। तो देखिए, केस वन लेता हूं मैं, केस फर्स्ट ले लेता हूं, केस फर्स्ट की मैं बात करता हूं, और केस फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर्स की। किसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड, सीबी से रिप्रेजेंट कर देता हूं कंडक्शन बैंड को, और जो बैलेंस बैंड है, देखिएगा, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड की बाउंड्री में यहां तक बना रहा हूं, ये लीजिए, मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस बैंड है। अब देखिए, दोनों लेवल्स में, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में क्या हो रही है, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, और ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये कहलाएगा ओवरलैपिंग रीजन, जहां पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो जो एनर्जी गैप होता है, यहां पर एनर्जी गैप की यदि मैं बात करूं, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे आप कह रहे हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर जिसे आप कह रहे हो बैंड गैप, बैंड गैप, ये कितना होगा, ईजी का वैल्यू ये लगभग जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, है ही नहीं, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग किसकी, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब जब ओवरलैप करेंगे तो इजीली, बिना कोई एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, है या नहीं, ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तो ऐसा किस केस में होता है, कंडक्टर्स के केस में होता है जब कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है और बैलेंस बैंड भी पार्शियली एम्प्टी होता है। हम कह सकते हैं कि बैलेंस बैंड तो पार्शियली एम्प्टी है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। या फिर कहें कि जब कंडक्शन और बैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उस समय हमें कंडक्टिविटी यानी कंडक्टर्स के बारे में हमें पता चलता है, यानी कंडक्टर्स के केस में बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टर्स के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिकली जब ओवरलैप कर रहे हैं तो जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं
वो कंडक्शन बैंड में ही होंगे। तो कंडक्शन बैंड जो है पार्शियली फिल्ड होता है, पार्शियली पार्शियली फिल्ड, और जो बैलेंस बैंड है ये पार्शियली एम्प्टी होता है, पार्शियली एम्प्टी होता है। क्योंकि एम्प्टी क्यों हुआ ये, क्योंकि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के वो ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। यहां पर ओवरलैपिंग होता है, यहां पर बैंड गैप का वैल्यू जीरो होता है, तो इन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। केस सेकंड की मैं बात करूं, केस सेकंड की यदि मैं बात करूं, केस सेकंड में यदि हम बात करें इंसुलेटर्स की, किसकी बात करें, इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, देखिए ऑब्वियसली इंसुलेटर्स के केस में जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा, कंप्लीटली एम्प्टी होता है, और जो बैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। बैलेंस बैंड, ये बैलेंस बैंड है, और बैलेंस बैंड तो हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को यदि आप कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी होगी कंडक्शन बैंड, जो कि कंप्लीटली एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कहां पर, कंडक्शन बैंड में। और ये जो एनर्जी गैप है, ये जो बैंड गैप है यहां पर, ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यदि इसके बॉटम एनर्जी लेवल को ईसी से रिप्रेजेंट करें और इसके टॉप एनर्जी लेवल को ईवी से रिप्रेजेंट करें, तो ईसी और ईवी का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, यहां पर लिख सकते हो आप ईसी माइनस ईवी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ईजी के बराबर आ जाएगा। और ये मोर देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ईजी का वैल्यू। जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप है, बैंड गैप है, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। यहां कंप्लीटली कोई कंडक्शन नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, तो यहां पर नो कंडक्शन, नो कंडक्शन। क्यों, क्यों कंडक्शन नहीं है यहां पर, क्यों कंडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, कंडक्टिविटी वहां पर नहीं होगी, तो यहां पर जीरो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी हाई हो गई एक तरह से। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच यदि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, जिस केस में कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली है और बैलेंस बैंड पूरी तरह फिल्ड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं, यदि उनको आप कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई देनी होगी, ठीक है। ये इंसुलेटर्स का केस हो गया। केस थर्ड की मैं बात करता हूं, केस थर्ड की मैं बात करता हूं, और केस थर्ड में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर्स के केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहां पर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस बैंड में। और यहां पर जो ये एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर्स के केस में, ये लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ये ईसी हो गया, ये ईवी हो गया, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स के केस में है, और यहां पर आप मना सकते हो कि ये जो है उतना ज्यादा खाली नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और इसमें कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड जो होता है, कंडक्शन बैंड जो है कंप्लीटली एम्प्टी होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है, कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है। तो जब कंप्लीटली एम्प्टी होगा जीरो केल्विन पर, तो ये इंसुलेटर्स की तरह व्यवहार करेंगे, कौन, सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड जो है ये फिल होना शुरू हो जाएगा, ये पार्शियली फिल्ड होना शुरू हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड, ठीक है। जीरो केल्विन है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
उतनी ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे और इस तरीके से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ध्यान रखिए, 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, इस एनर्जी गैप को पार नहीं कर पाता है। इसलिए कंडक्शन बैंड 0 केल्विन टेम्परेचर पर खाली होता है, उस समय ये इंसुलेटर्स होते हैं, कौन, सेमीकंडक्टर्स। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल एनर्जी जो इनको मिल रही है टेम्परेचर के जरिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को प्राप्त करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और इस वजह से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्शन बैंड में उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां से पता चल रहा है कि सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन लेकिन सेमीकंडक्टर्स का, जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनका अपना अपना टेम्परेचर लिमिटेशन होता है। हर एक सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर हम चाहें जितना नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक प्रॉपर लिमिट तक ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि हमने टेम्परेचर को और बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है कि वो सेमीकंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी बदल दे। इसलिए टेम्परेचर को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होता है फिर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी, सॉरी, इम्प्योरिटी हम इसमें डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में। जब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाएंगी तो वो बन जाएंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से ज्यादा होगी। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइप की, जिसमें दो टाइप की हम बात करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।